स्वागत है आपका गांव यात्रा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम हर बार आपको अलग अलग गांव की सैर पर ले जाते हैं और वहां के रहन सहन, खान पान, रोजी रोजगार और वहां की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं झारखंड के भैरव गांव की यात्रा पर और चलते हुए रास्ते में और भी प्रसिद्ध एवं चर्चित स्थानों की सैर करते हुए जाएंगे। तो आइए चलते हैं भैरव गांव की यात्रा पर। भैरव गांव लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो राज्य के द्वारा चयनित एक विशेष गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। अमर शहीद पांडे गणपत राय 1857 की आजादी के लड़ाई में झारखंड के सेना नायक थे। उन्होंने इस लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने कुछ दिनों तक झारखंड को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ा लिया था, मगर अपनों की दगाबाजी से वो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आज की हमारी यात्रा उन्हीं के जन्मस्थली भैरव ग्राम की है। वाह, कितना खूबसूरत नजारा! जी करता है इसे नजदीक से देखूं। मेरे तन मन में नई ऊर्जा भर देगा और इसका असर काफी लंबे समय तक रहने वाला है। ये है तस्सर अनुसंधान केंद्र। इस अनुसंधान केंद्र में रेशम के कीटों को पाला जाता है और उससे बेहतर से बेहतर तस्सर कैसे पाया जा सकता है, यही प्रशिक्षण और अनुसंधान इस केंद्र में किया जाता है। यह है विशाल बिजली ऊर्जा केंद्र, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड को समर्पित किया था, जहां से आसपास के गांवों को ऊर्जा पहुंचाई जाती है। सुबह सुबह यात्रा पे निकली हूँ, ऐसे में तलब हो रही है एक अच्छी सी चाय की, तो आइए रुकते हैं एक अच्छी सी चाय के लिए। ये बेड़ों का चौक है। यहां से एक रास्ता बाईं ओर कटता है, जो लापुंग साई मंदिर को जाता है। लापुंग का साई मंदिर श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र है। यहां हजारों श्रद्धालु रोज उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। आप चाहें तो भौरों जाने के रास्ते में साई मंदिर भी होकर आ सकते हैं। चौराहे से आगे बढ़ने पर आगे दो रास्ते नजर आते हैं। उसमें बाएं वाले रास्ते को छोड़कर दाएं तरफ लोहरदगा के रास्ते में हमारी गाड़ी निकल पड़ती है, जो रास्ता हमें भैरव ग्राम तक ले जाएगा। आगे बढ़ने पर कई सुंदर साफ सुथरे गांव मिलते हैं और उसी रास्ते में एक और ऐतिहासिक महत्व की जगह मिलती है, जिसे खुकरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक समय यहां नागवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, उनका किला था, लेकिन आज वो जमींदोज हो चुका है।
इसके आगे बढ़ने पर भंडरा प्रखंड आता है और फिर आता है भंडरा प्रखंड का बाजार और यहीं से भैरव ग्राम में प्रवेश किया जाता है। और भैरव ग्राम में प्रवेश करने के लिए पांडे गणपत राय द्वार से भैरव ग्राम पहुंचा जाता है। करीब 2 किलोमीटर के पश्चात भैरव ग्राम नजर आता है। वहां नजर आता है सबसे पहले एक नई बनी हुई मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। यहां से ठीक सामने पांडे गणपत राय परिसर नजर आता है जहां उनकी भव्य मूर्ति स्थापित है। धन्य है यह धरती जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया, जिसने उसका और उसके देश का मान बढ़ाया। ये परिसर और उनकी मूर्ति इस गांव के लोगों और उनके वंशजों को उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। मैं रांची दूरदर्शन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने शहीद की जन्म स्थली ग्राम भौरों को चुना और शहीद के गांव में आप सब पधारे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सरकार तो सुध ले ही रही है और रांची दूरदर्शन भी गांव के विषय में जानना चाह रहे हैं। इस गांव का महत्व इसलिए है और भी बढ़ जाता है कि शहीद पांडे गणपत राय का जन्मस्थली है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से और भी शहीद की वीरता के विषय में या और भी उनके विषय में गहन शोध करने के लिए आप सबों का वहां पर आमंत्रण है। इस परिसर में हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर एक मेले का आयोजन होता है जो पांडे गणपत राय संरक्षण समिति के द्वारा किया जाता है। पांडे गणपत राय नागपुर जन्म पाए, पांडे गणपत राय नागपुर जन्म पाए, सिर में कफन बांधे, सिर में कफन बांधे, गोरा के ललकारे वीर शहीद मारे, वीर शहीद मारे। भौरों ग्राम एक आदर्श ग्राम है। इनके याद में 17 जनवरी को उनका कार्यक्रम होता है। वहाँ पर एक स्मारक है, एक मूर्ति लगी हुई है गणपत राय जी की और उसमें एक मेला लगता है। सरकार के प्रयास से और संस्था के प्रयास से उस परिसर को बृहद रूप देने की तैयारी है। भौरो गांव पहले के समय में बड़ा पिछड़ा गांव हुआ करता था, मगर आज वो एक विकासशील गांव है जहां एक तरफ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, पंचायत भवन है, प्राथमिक विद्यालय है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, पक्की सड़क है और हर घर तक नल द्वारा जल उपलब्ध हो रहा है। मेरा नाम सुमंती तिगे है, मैं भौरों पंचायत की मुखिया हूँ। पहले हमारे गांव में रास्ता सब सही से नहीं थी, अभी तो कुछ बहुत बन गया है जिसके वजह से हमारा गांव का विकास भी हो चुका है और रास्ता उस्ता पूरा बन के हमारा गांव में अभी पूरा नली उली सब बना हुआ है, जिससे मेरा गांव अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे ही तरह स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, उसमें भी अच्छा से इलाज सब होती है। सरकारी स्कूल भी है, उसमें भी जाके हम लोग जाँच उच करते हैं, उसमें भी पूरा
पोषण अभी सही से मिल रही है, टीचर भी सही से आते हैं। अभी हमारा पंचायत में घर 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 जल से नल का उपयोग किया गया है। बहुत से घर में जल से नल पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। गांव घूमने के क्रम में पता चला कि इस गांव में आजीविका का मुख्य साधन खेती है। ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। एक ऐसे ही संपन्न कृषक परिवार से मिलना हुआ। और अब आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए। हम तो खेती बाड़ी करके किसी तरह बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए बच्चा लोग पढ़ने में भी ठीक ठाक है, अब आगे जाके क्या करते हैं, बहुत उम्मीद करके बच्चा लोग को हम पढ़ा रहे हैं। बड़े पापा, चाचा, पापा, दादाजी सब पहले से ही फार्मिंग किए हैं। पापा को थोड़ा मोड़ा ठेकेदारी का नॉलेज है और फिर मम्मा हाउसवाइफ है, चाची भी हाउसवाइफ है, दादी थोड़ा मोड़ा फील्ड में रहती है और हम जो है हम लोग तीन भाई बहन हैं। सबको को पापा लोग पढ़ा ही रहे हैं बचपन से ही। अभी हम डीएवी से एमबीडीएवी पब्लिक स्कूल लोहरदगा से 12th का सीबीएसई बोर्ड दिए हैं और आगे मेरा ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोचे हैं हम। इसी क्रम में एक और किसान से हमारा मिलना हुआ। हम ग्राम भौरों का रहने वाला हूँ। कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस गांव में अधिकतर धान बहुत मात्रा में किया जाता है, गेहूं भी बहुत मात्रा में किया जाता है और साग सब्जी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। सालों भर साग सब्जी यहां हर समय हम लोग को मिलते रहता है, पैदावार होता है और हम लोग सब्जी को बेचते हैं यहां और बेच के अपना जीविका निभाते हैं। बाल बच्चा को उसी से भरण पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा सब सब्जी ही बेच के सब कारोबार करके सब अपना जीविका निभाते हैं। रास्ते में चलते चलते एक तरफ खेतों में हरे भरे सब्जियों के पौधों की लंबी कतार और दूसरी तरफ गेहूं की हरी हरी बालियां बड़ी लुभावनी लग रही थी। इस कृषक के खेत को देखकर अच्छा लगा कि सरकार के द्वारा इसे सोलर पंप मुहैया कराया गया है। उनका कहना था कि इसकी वजह से उनकी सिंचाई सुगम हो गई है। खेती हमारा पूर्वज बाबूजी सब करते आए, उन्हीं करके देख के हम अपना किए है ना, वो उसी में अनुभव आ गया। पहले तो तेल मशीन डीजल इंजन से हम लोग खेती करते थे, लेकिन अभी लाइन का सुविधा हो गया और सरकार की तरफ से सोलर मिल गया है, उससे सिंचाई के लिए हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है। आलू, गोभी, गेहूं, बैंगन, टमाटर, यानी जितना भी फसल है सब कर लेते हैं। इसके बाद मुलाकात एक भैंस पालक से हुई। के साधन है उसमें आलू गोभी मटर ये सब करते हैं, धान करते हैं और यही गाय भैंस है, इससे दूध निकालते हैं, बेचते हैं, यही सब धंधा है, यही सब रोजी रोटी चलता है। ये गांव बहुत पहले से गणपत राय पांडे के था और उसी में हम लोग बहुत पहले से रह रहे हैं पूर्वज लोग। लोगों से बात करके पता चला कि इस गांव में प्रायः लोग बकरी पालते हैं। हर घर में 2-4-10 बकरियां नजर आती हैं।
जिससे उन्हें बेचकर अच्छी आमदनी भी होती है। एक तरह से कहें तो खेती के साथ बकरी पालन भी यहाँ का मुख्य जीविका का स्रोत है। घूमते घूमते पंचायत भवन के पास हमें एक छोटा बाजार भी नजर आया, जहां तरह तरह की सब्जियां और दैनिक जरूरत की चीजें मिल रही थी। घूमते घूमते बहुत जोरों की भूख लगाई और ऐसे में गांव के ही एक महिला के द्वारा उनके घर भोजन का आमंत्रण मिलने पर हमसे इनकार नहीं किया गया। रूप से दाल चावल रोटी सब्जी बनता है और उसके बाद स्पेशल कुछ बनता है हम लोग के यहाँ, तो उसमें बनता है धुसका पिठा छिलका जो चावल का बनता है, और बड़ा बनता है उड़द का, और स्पेशल में कभी कभी पुआ भी बनता है जिसमें गुड़ और चावल का बनता है। आज यहाँ भोजन करके आनंद ही आ गया और मैंने तो अपनी भूख से कुछ ज़्यादा ही खा लिया, और वजह ये थी कि सारी चीज़ें गांव की ही उपजाई हुई थी और एकदम शुद्ध तरीके से बनी हुई। गांव में घूमते घूमते वहां के महिलाओं और पुरुषों के द्वारा गाए जा रहे पारंपरिक गीतों का भी आनंद उठाने का मौका मिला। घूमते घूमते लोगों से मिलते जुलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ये गांव वाकई बहुत सुंदर और संपन्न गांव है। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और हमें ये कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि हमारा भैरव गांव आना सार्थक हुआ। यह गांव स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद पांडे गणपत राय की जन्म स्थली है। झारखंड के गांव की ये खासियत है कि अमूमन हर 100 किलोमीटर के बाद गांव के लोगों की बोलचाल रहन सहन प्रायः बदल जाते हैं, मगर एक बात है जो कभी नहीं बदलती, वो है झारखंड के गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं। शहर की थकान से दूर यहाँ सुकून है, आराम है। घर तो गाँव में है जनाब, शहर में सिर्फ मकान है। तो आज की यात्रा बस यहीं तक, मिलेंगे अगली यात्रा में नए गांव नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार। इसके बाद लोगों का आभार प्रकट कर गाड़ी पे सवार हो हम अपने शहर के लिए निकल पड़े।